बिल्कुल ढाबे जैसी स्मूथ, क्रीमी और टेस्टी प्याज का सालन आज हम बनाएंगे बिल्कुल अलग सी एक तरीके से, जिसमें आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा और खाने में ये ढाबे से भी बेहतर बनेगा। तो घर में जब सब्जी ना हो तो बहुत ही कम चीजों के साथ ये टेस्टी सालन को आप बना सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चैताली और आप देख रहे हैं स्वाद का खजाना। तो आइए शुरू करें बनाना। तो सबसे पहले सालन की जो मसाला है वो बना लेंगे। तो इस पैन में लेंगे 2 छोटी चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1/4 कप मूंगफली, 2 बड़ी चम्मच नारियल का बुरादा और 1.5 बड़ी चम्मच सफेद तिल। अब इन सारे चीजों को हम लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे, तो करीबन 2.5 से 3 मिनट हम इसे भूनेंगे। ये जो मूंगफली मैंने ली है ये कच्चा है, आप चाहे तो रोस्टेड मूंगफली भी ले सकते हैं, तभी मूंगफली को और रोस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। ये देखिए तिल और बुरादा का कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसे पैन से निकाल के इस मिक्सी के जार में डाल देंगे। इसे हमें पीसना है, लेकिन इसके साथ में और कुछ चीजें भी पीसेंगे। तो अभी इसे ऐसे ही रख देंगे और इसी पैन में लेंगे 1 बड़ी चम्मच तेल और तेल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप स्लाइस में कटी हुई प्याज, 7 से 8 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक, इसे मैंने टुकड़ों में काटी है। अब फ्लेम को मीडियम करेंगे और इन सारे चीजों को हम कुछ देर भूनेंगे, मतलब प्याज का कलर हल्का सा चेंज होने तक हमें इसे भूनना है। इससे प्याज का मीठापन भी बरकरार रहेगा और कच्चापन भी निकल जाएगा। ये देखिए प्याज भी नरम हो चुका है। तो अब इसमें 1 कटा हुआ टमाटर डालेंगे। मैंने 1 बड़ा सा टमाटर की सारे चीज को निकाल के ऐसे स्लाइस में काट के ली है और साथ में 1 छोटी चम्मच नमक भी डाल देंगे और टमाटर को भी 1 आधा मिनट चला लेंगे ताकि ये टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और अब फ्लेम को लो करके इसे करीबन 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। तो सारे चीजें देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब गैस को हम ऑफ करेंगे और इसे भी इसी मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे पंखे के नीचे थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और फिर हम इसे पीस के इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब इस पैन में लेंगे 2 बड़ी चम्मच तेल और तेल को हल्का सा गर्म होने देंगे। अब फ्लेम को लो करके इसमें डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच राई, 1/2 छोटी चम्मच जीरा और 10 से 12 करी पत्ता। अब इसे बस एक बार चला लेंगे। और जो सालन की मसाले और प्याज का पेस्ट मैंने बना के रखी थी वो सारे डाल देंगे और लो फ्लेम पर ही इन सारे चीजों को हम आपस में अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच चीनी और 1/2 छोटी चम्मच नमक और सारे चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। और मिक्सी के जार में अभी भी थोड़ा सा पेस्ट बचा हुआ है तो थोड़ा सा पानी से जार को धो के वो भी इसमें डाल देंगे और लो फ्लेम पर पहले सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे और फिर फ्लेम को मीडियम करेंगे और इन मसालों को हम थोड़ी देर भूनेंगे जब तक ये मसालों से तेल सेपरेट ना होने लगे। जैसे जैसे ये मसाला भूनता जाएगा आप देखना इसका कलर पूरा चेंज हो जाएगा। और हाँ, सूखा मसाले में मैंने हल्दी पाउडर नहीं डाली है, आप चाहे तो डाले या फिर ना डाले, इससे टेस्ट और टेक्सचर का कोई भी फर्क नहीं आएगा। मैं इस सालन की ग्रेवी को थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ, इससे आपका टाइम थोड़ा कम लगेगा और सालन की टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। ये देखिए ग्रेवी से तेल छोड़ रहा है। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी ऐसे छिड़क देंगे और यहाँ मैंने 15 ऐसे छोटी साइज की प्याज को काट के ली है। तो प्याज की यह बंद वाले साइड को हम नहीं काटेंगे, दूसरे इस साइड को छुरी से ऐसे दोनों तरफ से चीर लगा देंगे। ये देखिए प्याज पूरी कटी हुई नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ही काट लगाई है।
तो अब ये सारे प्याज को इस ग्रेवी में डाल देंगे और ग्रेवी के साथ ये सारे प्याज को अच्छे से मिला देंगे। आप इस समय ग्रेवी को एक बार टेस्ट करके देख लेना, अगर नमक या मिर्ची वगैरह आपको कम लगे तो अभी इसमें आप डाल सकते हैं। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे, सारा प्याज डूब जाए इतना पानी हमें यहाँ पे डालनी है। अब इसे एक बार ऐसे चला लेंगे और साथ में 4-5 साबुत हरी मिर्च भी डाल देंगे और कढ़ाई को ढक देंगे और करीबन 15 से 20 मिनट इसे हम लो फ्लेम पर ढक के पकाएंगे। इस बीच हमें इसे चलाना नहीं है वरना प्याज की सारे परतें खुल जाएगा। ये देखिए ग्रेवी काफी गाढ़ा हो चुका है और प्याज भी देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। तो अभी इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और धनिया पत्ती डालेंगे और बस अच्छे से इसे मिला देंगे। इसे हमें अभी और नहीं पकाना है और इसे अब ढक के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और बस 5 मिनट इसे रेस्ट होने देंगे। तो दोस्तों बन गया हमारा बिल्कुल ढाबे जैसी प्याज का सालन। तो मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कोई भी आपका सुझाव हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।